हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7 बजने वाले हैं दोस्तों, और फाइनली मैं अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए आ चुका हूं। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कार में गियर कैसे लगाना चाहिए और गियर का पैटर्न क्या होता है, गियर लगाने का सही तरीका क्या है। अक्सर हम लोगों को ये नहीं पता होता कि गियर की डायरेक्शन क्या है, और हम गियर लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं गियर की वजह से हमारी गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती, गियर बक्से में प्ले हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज बताने वाला हूं आपको कि गियर कैसे लगाना चाहिए, गियर का पैटर्न क्या होता है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, ये मेरी कार है मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी, 1000 cc का इसका इंजन है और 4 सिलेंडर की ये गाड़ी है, और 4 सिलेंडर मतलब 4 प्लग की गाड़ी है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि गियर को कैसे किस एंगल से पकड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि उनको गियर को पकड़ना ही नहीं आता है और उसको हाथ में ऐसे इतना ज़्यादा ताकत लगा देते हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। देखिए, सिंपल है, ये है गियर लीवर, इसको बोलते हैं गियर लीवर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप बहुत ध्यान से, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th और रिवर्स, ठीक है। तो अभी ये न्यूट्रल है, इंजन गाड़ी का ऑफ है। अगर आप अपनी गाड़ी में प्रैक्टिस करना चाहें तो आप बंद गाड़ी पे इंजन ऑफ पे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लच दबाना कंपलसरी, बिना क्लच के अगर आप गियर की प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है आपकी गाड़ी में गियर बक्से में दिक्कत आ जाए या गियर आपका फंस सकता है। तो जब भी आप चाहे इंजन ऑन हो चाहे ऑफ हो, क्लच दबाना कंपलसरी, बिना क्लच के नहीं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गियर कौन सी डायरेक्शन में और किस तरीके से लगाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी में सीखने के लिए कार को गियर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैनुअल गाड़ी में AMT का तो कोई मतलब नहीं, 1 टाइम D4 ड्राइव पे डाल दो, उसके बाद अपने आप 1st, 2nd, 3rd, 4th स्पीड के रिकॉर्डिंग गियर चेंज होता रहता है। तो अभी आप देखेंगे, जैसे इस पे डबल क्लच ब्रेक है, मैंने ये दबाया क्लच, यहाँ क्लच दबाया, वहाँ भी दब गया, देख रहे हैं आप, ये मैंने यहाँ पे क्लच दबाया और ये पूरा क्लच दबाया, और उसके बाद ये है गियर। अभी गियर को पकड़ना कैसे, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा नहीं, गियर को बहुत हल्के हाथों से देन लेफ्ट उसको ऊपर कर दिया, फर्स्ट गियर हो गया, वापस सेकंड के लिए लेफ्ट ही दबा के डायरेक्ट पीछे खींच दो, ऐसे सेकंड गियर हो गया, थर्ड के लिए फिर ये न्यूट्रल छोड़ दिया। अब जैसे हमने इसको देखो छोड़ा, ये अपने आप यहाँ पर आ गया, वापस सेंटर में, थर्ड के लिए कुछ नहीं करना आपने, ये थर्ड गियर हो गया, फोर्थ के लिए फिर ये न्यूट्रल डायरेक्ट फोर्थ हो गया। एक होता न्यूट्रल पे रोकना, एक होता नहीं रोकना। रोकना कौन कौन से गियर में वो भी मैं बताऊंगा, और किस गियर में नहीं रोकना, डायरेक्ट खींचना, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी ये न्यूट्रल फिर हो गया, ये 5th गियर में राइट दबाया पूरा इसको, गियर लीवर को ये राइट, और वापस 5th गियर हो गया। फिर जिस डायरेक्शन में आप जाओगे उसी डायरेक्शन में वापस आओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, लगाते हैं गियर हैं, वापस आने के लिए वो गलत डायरेक्शन से गियर को खींचते हैं, जहाँ पर गियर पॉसिबल नहीं होता। ये न्यूट्रल रिवर्स के लिए, फिर राइट ले गए, फिर रिवर्स, जिस डायरेक्शन में आप गियर डालोगे उसी डायरेक्शन में वापस आओगे। जैसे देखो, कौन से गियर में आपको रुकना है, कौन से गियर में नहीं रुकना है। मैंने पूरा क्लच दबा रखा है, क्लच दबाना कंपलसरी, जितने भी मैं गियर लगाऊंगा क्लच दबाना। इसको लेफ्ट लिया, ऊपर कर दिया, पहला गियर हो गया। अब पहला और दूसरा देखेंगे आमने सामने, फर्स्ट और सेकेंड आमने सामने, तो सेकेंड के लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, इसको पूरा इधर दबा के रखना और डायरेक्ट खींच दिया सेकेंड गियर। अब आ जाता फर्स्ट और सेकेंड, ये हो गया आपका आमने सामने। अगर ज़रा सा भी आपने इसको ढीला कर दिया सेकंड लगाते टाइम, तो आपकी गाड़ी आएगी 4th गियर में, क्योंकि इसमें जो इसका स्प्रिंग है वो, जैसे देखो मैंने छोड़ दिया, ये अपने आप वहाँ पहुँच गया, ये देखो मैंने छोड़ा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 3rd और 4th की डायरेक्शन में पहुँच जाता है। कभी भी आपको गियर लगाना है तो उसको डायरेक्शन 1st और 2nd और 5th और रिवर्स के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए इधर ला के ऊपर जाओगे फर्स्ट, नीचे आओगे सेकेंड, न्यूट्रल पर छोड़ दिया 3rd डायरेक्ट ऊपर 3rd अपोजिट 4th है, 5th के लिए पूरा राइट जाके ऊपर 5th, फिर उसी डायरेक्शन में वापस आना है, और रिवर्स के लिए राइट। हम करते क्या गलती, यहाँ पे गए फर्स्ट गियर डाला, फर्स्ट तो यहाँ से डाल दिया, वापस निकालने के लिए हम ऐसे दबाने लगते हैं इसको वहीं से, तो वो डायरेक्शन नहीं चेंज है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन, जैसे आप यहाँ से फर्स्ट में गए फिर यहीं से वापस आओ न्यूट्रल, सेकेंड के लिए यहाँ से गए तो इधर ही दबा के यहाँ से जिस रास्ते जाओगे उसी रास्ते आओगे, थर्ड के लिए आप यहाँ पे गए तो उसी सेंटर में थर्ड के लिए आओगे, फोर्थ में यहाँ से गए तो यहीं से वापस आओगे,
फिफ्थ में, यहाँ से जाके ऊपर फिफ्थ गए तो इसी डायरेक्शन से वापस लौट के आओगे, जरा सा भी इधर उधर गियर लीवर नहीं होगा, जिधर से जाओगे उधर ही से वापस आओगे। रिवर्स में आप यहाँ से गए ये और फिर यहीं से वापस आना है। कुछ लोग क्या करते, रिवर्स गियर डाला यहाँ से फिर निकालने लगते इधर दबा के, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से वापस आओगे। तो ये यहाँ से गए ये, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और गियर बहुत स्मूथ लगता है, इसमें ताकत नहीं लगती, ताकत लगाना होता क्लच में। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे हाफ क्लच लिया, ये हाफ क्लच है, अभी देखो मैं गियर लगा रहा हूँ ये अब गियर इंजन ऑफ है। अगर हाफ क्लच लेंगे और गियर लगाएंगे तो गियर नहीं लगेगा, ये टाइट हो जाता है, देखो ये टाइट हो गया। और जब पूरा क्लच दबाते हैं तो देखो मक्खन की तरीके से गियर जा रहा है, ये न्यूट्रल, ये सेकंड, ये फिर न्यूट्रल, थर्ड फिर न्यूट्रल, फोर्थ फिर न्यूट्रल, फिफ्थ फिर न्यूट्रल, रिवर्स फिर न्यूट्रल, फर्स्ट फिर उसी के अपोजिट सेकंड, फिर न्यूट्रल, थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फिर रिवर्स। तो क्लच, जब आपका गियर तभी टाइट हो जाता है दोस्तों जब आपका क्लच पूरा नहीं दबा होता है। अगर आपकी गाड़ी में क्लच दबा हुआ है पूरा तो गियर कभी भी टाइट नहीं होता, गियर बहुत स्मूथ लगता, मक्खन की तरीके से लगता, बहुत ही मक्खन की तरीके से, अगर आपकी गाड़ी में क्लच पूरा दबा है। क्लच दबाने का तरीका जो होता है वो दोस्तों ये होता है, इस तरीके से हमको क्लच दबाना होता है। ये देखो ये पॉइंट होता है, ये टो, इसको कहते हैं टो। आप लोग यहाँ से दबाते हो इस पॉइंट से, ये बीचों बीच, इस वजह से आपको लगता है कि क्लच पूरा दब गया पर दबा नहीं होता है। हमेशा क्लच यहाँ से दबाना, टो से, इस जगह से। जब आप यहाँ से दबाओगे तो बहुत ही आसानी से आपको क्लच समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां मैंने बताई हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी ड्राइविंग से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके, कुछ न कुछ हर दिन आप नया सीख सकें। बस एक यही मोटिव रहता है कि जो लोग मेरे पास नहीं आ पाते हैं, लखनऊ से बहुत दूर दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको हेल्प मिल जाए इन सब चीज़ों से, और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपको इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है फेस टू फेस या वीडियो ऑडियो कॉल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी आईडी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।